को बेचकर फर्जी एफआईआर दर्ज करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दिल्ली के बाहरी जिले के एएटीएस की पुलिस टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जो बीमा कंपनी से क्लेम लेने के लिए वाहन चोरी की झूठी एफआईआर कराता था। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो पहले तो वाहनों को खरीदता था, उसके बाद वाहनों को बेचकर चोरी की झूठी एफआईआर दर्ज कराता था। जब पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया तो पूरे मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक पश्चिम बिहार ईस्ट थाने में वाहन चोरी के संबंध में एक शिकायत दर्ज की गई। बढ़ती वाहन चोरी की घटनाओं को देखते हुए बाहरी जिले की एटीएस की पुलिस टीम हरकत में आई और कार्रवाई शुरू की। जांच में पता चला कि शिकायतकर्ता मनोज शर्मा पहले भी कमर्शियल वाहनों की चोरी के संबंध में कई शिकायतें दर्ज कराई हैं। एएटीएस की टीम ने मामले की सीसीटीवी को खंगाला, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। उसके बाद संदेह की सुई शिकायतकर्ता पर घूमी। उसके बाद शिकायतकर्ता मनोज शर्मा से पूछताछ की गई। लगातार पूछताछ के दौरान उसने मामले में अपनी संलिप्तता कबूली और खुलासा किया कि वो आर्थिक रूप से परेशान है, जल्दी पैसे कमाने और आलीशान जिंदगी जीने के लिए उसने झूठी एफआईआर दर्ज कराई है ताकि वो बीमा कंपनी से क्लेम लेके। जिसके बाद पुलिस ने निशानदेही पर 1200 किलोमीटर दूर जम्मू कश्मीर में छापेमारी की और चोरी की जेसीबी बरामद कर ली। इसके पुलिस ने चोरी किए गए दो ट्रैक्टर भी जब्त किए हैं। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। भारत भूषण, दिल्ली, समाचार 24। तो इस तरीके से पांच व्हीकल्स की तो हमको डिटेल्स मिल गई कि सेम कंप्लेनेंट के द्वारा पांच एफआईआर दर्ज कराई गई है व्हीकल चोरी की। फिर धीरे धीरे जब उनकी फर्दर डिटेल्स को हमने खंगाला तो ये कंक्लूजन निकल के आया कि ये आदमी खुद ही उन व्हीकल्स को बेचता था, इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस के पैसे लेता था और एफआईआर दर्ज कराता था। वो एफआईआर दर्ज इसलिए करवाता था कि इंश्योरेंस वालों से इंश्योरेंस ले सके। तो ये टोटल एक फ्रॉड था, उसमें कंप्लेनेंट ही अब हमारे लिए एक तरीके से अक्यूज्ड है और उसको अरेस्ट किया जा चुका है। तो सर क्या सिर्फ अकेला ही है इसमें अक्यूज या फिर उसके साथ भी उसके कुछ को अक्यूज भी हैं? ये जो अक्यूज्ड है ये मनोज शर्मा झज्जर का रहने वाला है, 41 साल का है और अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हमारा चल रहा है उसमें ये एक ही आदमी है। लेकिन हमने पूरा, हमको विश्वास भी है कि इसमें और लोग भी इन्वॉल्व होंगे, पूरा एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड रूप से काम किया जा रहा हो क्योंकि अकेला आदमी इतने व्हीकल्स को एक चैन में ही मूव करवाना होता है तो अकेला आदमी मैनेज ही नहीं कर सकता। उसके लिए हमने 8 दिन की इसकी पुलिस कस्टडी ली हुई है और उसमें हम लगे हुए हैं कि इसका फर्दर अपवर्ड बैकवर्ड लिंक ओपन किए जाएंगे। प्रोफाइल क्या है सर इसका? ये आदमी बारी पास आदमी है और 41 साल का है, झज्जर का रहने वाला है और इसने पारिवारिक जरूरत और लाविश लाइफ जीने के लिए ये धंधा स्टार्ट कर दिया। एक टाइप से चीटिंग है, फ्रॉड है। तो सर ज्यादातर कमर्शियल व्हीकल्स जो होते हैं, हैवी व्हीकल्स, ट्रक या जेसीबी वगैरह, उन्हीं को जो है उन्हीं को खरीद करके इंश्योरेंस वगैरह लेता है उसको? अभी तक हमने एक पश्चिम बिहार ईस्ट में जो एफआईआर हुई थी उसमें इन्होंने जेसीबी चोरी का लगाया था आरोप, वो हमने कारगिल से रिकवर की है। ऐसे ही पश्चिम मुंडका में ट्रैक्टर चोरी का था, ईएफआईआर करवाते थे ये, उसमें मुंडका से जो चोरी हुआ ट्रैक्टर वो भी हमने उत्तराखंड से रिकवर किया। ऐसे ही एक और ट्रैक्टर जो था किस थाने का था, एक और ट्रैक्टर हमने रिकवर किया उसमें भी ईएफआईआर थी, वो उसकी ईएफआईआर विकासपुरी वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में थी। तो हमने 2 ट्रैक्टर रिकवर किए हैं और एक जेसीबी रिकवर किया और ये जेसीबी कारगिल जेएंडके से रिकवर किया 1200 किलोमीटर दूर जाकर के। तो ये काफी अच्छी सफलता है, इसमें हमको काफी कसमकस रही, जोर भी आया, चेसिंग भी करनी पड़ी, लेकिन 1200 किलोमीटर दूर जाकर हमने वो जेसीबी रिकवर किया। तो ये मेनली ट्रैक्टर जेसीबी बड़े व्हीकल्स होते हैं जो कि कॉस्टली भी हैं ताकि उनका इंश्योरेंस इसको ज़्यादा क्लेम मिलता होगा तो फायदे की डील हुआ करती थी इसके लिए। इसमें आप देखोगे तो 3 लेवल पे आदमी फ्रॉड कर रहा है, एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ, दूसरा ये जिसको बेच रहा है उसके नाम भी वो व्हीकल हो नहीं रहा है, एफिडेविट से ही बेच रहा है तो वो कोई टाइटल ट्रांसफर नहीं हुआ है, और तीसरा वो
बैंक वालों के साथ सेटलमेंट करता था, जितना उसका लोन था वो किस्तें देना बंद कर देता था क्योंकि चोरी हो गया व्हीकल। तो जब वो सेटलमेंट करेगा तो निश्चित रूप से जो अमाउंट देना था एक्चुअली उसका काफी कम करके सेटलमेंट करता था। तो तीन लेवल पे आदमी फ्रॉड कर रहा था। लेकिन सर ये जम्मू और कश्मीर में बेचना, इतनी दूर अगर बेचने की बात आ रही है तो कहीं ना कहीं उसको उसके अंदर दिमाग में चीजें होंगी कि दूर रहेगा तो इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी हम। हाँ निश्चित रूप से ये भी एक फैक्टर है कि जितना दूर आप रखो इस सेंटर से जहाँ से आपने व्हीकल खरीदा है या जहाँ आपके रूप के ओनर से एक्चुअली वहाँ से दूर अगर उसको शिफ्ट कर दिया जाए तो ही उसके कम चांस होते हैं पकड़े जाने के, उसका जो राज खुलने में टाइम लगेगा। जैसे दो ट्रैक्टर हमने अभी रिकवर किया, एक ट्रैक्टर उत्तराखंड से किया है, एक ट्रैक्टर यूपी से किया है। तो आसपास के एरिया में वो नहीं बेच रहे हैं, काफी दूर जाके बेच रहे हैं। सर जो जो व्हीकल्स ये बेचता था लोगों को, क्या वो कोई गैंग है या फिर जो आम लोग हैं उनको ये व्हीकल्स सेल करता था? ये इनका नेटवर्क था, खुद की पर्सनल जो जानकारी होती थी, शायद नीडी आदमी जो भी होता था जिसको जरूरत पड़ती थी वो इनके नेटवर्क में आ जाता था और जस्ट इनका पर्सनल जो वो है इन्फॉर्मेशन शेयरिंग उस आधार पे बेचा जाता था। इसका कहीं कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह या कहीं कोई इश्तेहार इस टाइप में कुछ नहीं था। ये आपस में ही जैसा कि मैंने पहले बताया कि इनका निश्चित रूप से एक ग्रोह सा ही काम करता होगा, उसको हम अनरेवल करने की कोशिश कर रहे हैं। मनोज शर्मा के अलावा भी और लोग भी इसमें लिप्त होंगे, उसके हम कार्य कर रहे हैं उसके। रिसीवर की कोई गिरफ्तारी हुई है क्या सर जो